कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में दो समाज के लोगों के बीच विवाद देखने को मिला। वैसे तो कहा जाता है कि गीता में सभी धर्मों को समान माना गया है, लेकिन कुरुक्षेत्र, जिसे गीता की जननी कहा जाता है, वहीं पर गीता जयंती के महोत्सव पर विशेष समुदाय के द्वारा लगाए गए स्टॉल को बजरंग दल के द्वारा उखाड़ दिया गया। मामला बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और विशेष समुदाय के लोगों को वहां से निकाला गया। बजरंग दल के लोगों का कहना है कि यहां पर विशेष समुदाय का प्रचार किया जा रहा था और उससे रिलेटेड मटेरियल बेचा जा रहा था, जिससे उनको आपत्ति है। उन्होंने कहा, ये गीता की जन्मस्थली है, यहाँ पर इस प्रकार का प्रचार नहीं करने दिया जाएगा। इन्होंने इसमें लिखा हुआ है, हमारे हजरत मोहम्मद ने कृष्ण जी को प्रकट किया, ये 1400 साल पहले, 1400 साल पहले इस्लाम धर्म सिर्फ 1400 साल पुराना है और ये 5300 साल हो चुके हमारी महाभारत हुए। इन्होंने लिखा है, उसने हजरत मोहम्मद ने कहा था कि वहाँ एक उसमें कलयुग में एक वो पैदा होगा जिसका रंग सांवला होगा, जो कन्हैया कहेगा। मैं पूछ रहे हैं माजी कन्हैया बोला कृष्ण जी के बारे में, तुम्हारा धर्म तो अभी आया और तुम इतने पुराने उसको हमारे को कह रहे, उसने कहा था प्रकट होऊंगा मैं, इनके हजरत मोहम्मद साहब कह रहे हैं बिल्कुल गलत प्रचार है। प्रशासन ने कहा है दुकान के लिए, और दूसरी बात देखो, प्रशासन क्या आंख बंद करके देखता है दुकान? ये लो, वो देखता नहीं प्रशासन की भी देने से पहले, उसको ये नहीं पता कि प्रशासन ने कुछ नहीं निकला, ये यहाँ की क्या करवा रहे हैं, ये नमाज भी पढ़ते हैं यहाँ पे, ऐसे तो प्रशासन कुछ भी। अब ये देखो, जिस पवित्र स्थली जहाँ पे गीता का उपदेश हुआ, गीता का ज्ञान, देखो इसमें लिखा है यहाँ गीता का निश्चित ज्ञान होना चाहिए, वहाँ पे ये लोग बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। ये देखो क्या लिखा है, नमाज क्या होगा आने वाले समय में, क्या करेंगे? आपका नाम? अवतार भेजा। मेरा नाम ऋषिपाल शर्मा है और मैं यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद से जिला सहमंत्री हूँ। मैं सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ सरकार से कि क्या मैसेज दोगे 100 करोड़ हिंदुओं को जो आपको वोट दे रहे हैं? यही वो क्या नाम के भाई, यहाँ पे हम नमाज पढ़ा, गीता जयंती पे नमाजें पढ़वा रहे हैं यहाँ पे, भाई साहब आज दिल रो रहा है हमारा। हमारे पर था, क्या हुआ है, क्या पता चला इसके बारे में? ये ना कुछ एक ये मुस्लिम समाज की एक स्टॉल थी, समाज तो क्या है, एक इस कम्युनिटी से था, और उसमें कुछ हिंदू बजरंग दल की तरफ से कुछ लोग आए थे, उन्होंने ये कहा कि आपत्ति जताई कि भाई आप ये स्टॉल ना लगाओ, हमें लगता है कि जो आपके पास जो टेक्स्ट है जी जी मटीरियल है वो आपत्ति जनक है जी। तो फिर अब पुलिस के द्वारा क्या किया? तो नहीं, हम लोग गए उनको बैठ के समझाया है, और तो दोनों को समझाया, दोनों चले गए अपना अपना। तो इन्होंने अपनी सहमति जताई है कि हम ये नहीं खोलेंगे, तो ये स्टॉल इन्होंने खुद से खाली करके चले गए। जो लोग थे उनको यहाँ से निकाल लिया गया? कोई कुछ निकाला कुछ नहीं है, वो खुद उन्होंने सामान उठाया और वहाँ से वो खाली करके चले गए, और हमें लिख के देख रहे हैं कि हम यहाँ से जा रहे हैं, लोगों को आपत्ति है उस चीज को लेके हम वहाँ से छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, इसके दे दिया, जो लोग जिन्होंने विद्रोह किया था वो लोग भी आते, वो कहते ठीक है, अगर अपनी मर्जी से जाना चाहते हैं चले जाए। ये चीज गेट केडीबी के संज्ञान में भी डाल दी गई है कि ऐसे ऐसे मामला है, तो वहाँ से कुछ मेरे ख्याल बढ़ने वाली कोई बात नहीं हुई। एक समाज ने आपत्ति जताई, दूसरा समाज कहता ठीक है, अगर आपको आपत्ति है हम चले जाते हैं। ठीक है, इसमें गलती भी है, आप इसमें किसी तरह का लेन देन कर सकते हैं। 479 दुकानदारों की सुविधा के लिए कृपया आप इसका लाभ ले सकते हैं। स्टॉल नंबर 479 पर SBI की ब्रांच यहाँ खोल दी गई है। कृपया ध्यान दीजिए, किसी संगठन की एक सेवा सूचना प्रसारण केंद्र में ये यात्रा में ही यात्री के खोल करके आया था, कोई संगठन यहाँ सूचना प्रसारण केंद्र में इसको पहुंचा कर गया है। एक्टिवा